Let's learn and earn from your home. Learning with earning. आपको लगता है क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। बाकी जो भी राइटिंग होती है वो जिसको भी इंग्लिश आती है ना वो लिखने बैठ जाता है आर्टिकल, तो वो उसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं। जैसा कि मैं बात कर रही हूँ यही बात मुझे ब्लॉग पोस्ट पे भी करनी होगी, और मैं वो यही सब बातें ब्लॉग पोस्ट पे करके उसको रैंक करवा सकती हूँ। जो भी वेबसाइट होगी या ब्लॉग चल रहा होगा उसको मैं रैंक करवा सकती हूँ यही बातें करके, क्योंकि उसमें हमें दूसरों से बातें करनी होती है। तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग और जो रिसर्च वर्क होता है वो उसकी एक तो डिमांड बहुत हाई है, और दूसरा उसका ये है कि बहुत ज्यादा लोग उस पर काम नहीं कर रहे। जिस भी पढ़ना शुरू कर दो ना कि एक बंदा है वो आज अगर करोड़पति बना बैठा है तो उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे स्टोरी ये नहीं होगी कि रात को वो बैठा सुबह वो करोड़पति बना बैठा था, ऐसा नहीं होगा। उसने बहुत सफर किया, उसने बहुत सीखा, फिर उस पर डिपेंड किया कि उसने 10 साल लगाए या उसने 20 साल लगाए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक महीने में इसको ओवरकम करिए या आप 2-5 साल लगाओगे या थक हार के बैठ जाओगे और छोड़ के बैठ जाओगे। देन आप वही एक जो टिपिकल जिंदगी हम सब गुजारते हैं आप वही गुजारोगे और फिर आपकी कोई स्टोरी नहीं होगी। या तो आप ये करके दिखाओ या आप फिर इस बात को माइंड से निकाल दो कि रातों रात अमीर होने वाला कोई सीन है। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, कोई भी सीन नहीं होता, नॉट एट ऑल। आप लोग मेहनत करो और फिर उसके बाद आपकी स्टोरी यहाँ पे दुनिया पड़ेगी कि ये बंदा था, इसने इतनी मेहनत की और ये वो बंदा है जो एक महीने में इसने इतना ज्यादा कर लिया। ये स्टोरीज आ भी रही है, मैंने बहुत पाकिस्तानियों की पढ़ी है, जो आज मैं अब नाम मुझे याद नहीं है। मैंने रिसेंट एक बंदे की स्टोरी पढ़ी है जो मतलब उसको उसके फादर कहते हैं ये बंदा पैसों की मशीन है, मतलब मेरा बेटा जो है ये पैसों की मशीन है, और वो किस तरह से ब्लॉगिंग कर करके और उनको SEO आता था और वो सारा। तो मतलब वो पाकिस्तानी ही है ना, वो पूरी दुनिया उन्हें मानती है। रूल्स देखें, वो एक तो जिंजर बता दिया था, एक ग्रामरली होता है जिससे आप प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हो। राइटिंग वो प्रीमियम होता है, वो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है, वो एंड पे मैं आपको दिखा दूंगी कैसे चेक होता है। बाकी जिंजर साहब की सारी मिस्टेक्स वो बता देता है, मतलब जैसे आपकी कोई ग्रामेटिकल हो या कोई आर्टिकल्स का हो या कोई पंक्चुएशन का हो या रीराइट करना, वो हर तरह की चीज बता देता है जिंजर, और वो फ्री भी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा टूल है। बाकी उसके अलावा ग्रामरली है और आप ग्रामरली भी यूज कर सकते हैं।